अच्छा पूनम, गांव से माँ आ रही है तो बस स्टेशन से लेके आता हूँ। क्या वो तुम्हारी पागल माँ फिर से यहाँ आ रही है? कोई जरूरत नहीं उन्हें यहाँ लाने की, वो यहाँ कैसे रह पाएगी? वो गांव की गवार है। अब तुम कुछ भी बहाना करके उन्हें वापस जाने को बोलो। पूनम, पूनम तुम्हारी माँ आ रही है यानी मेरी सासू माँ आ रही है। मेरी माँ आ रही है? अरे यार तो ऐसा बोलना, चलो मैं भी चलती हूँ। और हाँ, हम आते समय खाने को कुछ अच्छा सा लेते भी आएंगे। पूनम एक बात पूछूं, तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, महल से भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है, फैसला तो मेरे थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि यार इस राखी पर एक बहन बना लूँ। क्या करोगे बहन बनाकर, अच्छा है ना फिजूल के खर्चे नहीं होते। अगर किसी बहन के घर में होने से खर्चे बढ़ते हैं तो फिर तेरा भाई भी आज करेज में डूबा होता, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि एक बहन घर में खर्चा बढ़ाने नहीं बल्कि उस घर की किस्मत बढ़ाने आती है, समझी? अरे पूनम, अलमारी में से 3,000 रुपए देना जरा। क्यों, क्या काम है? अरे वो माँ का कूलर खराब हो गया, सोच रहा हूँ नया कूलर ले आता हूँ, बेचारे पंखे की गर्म हवा में सोती है। कोई जरूरत नहीं है नया कूलर लाने की, हॉल में ऐसी लगी है वहाँ पे सो जाएगी। तुम्हें पता है ना माँ को अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। हाँ मुझे पता है, इसलिए बोल रही हूँ। माँ पर फालतू खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देके जाने वाली। हेलो। हेलो दीदी, माँ को डिहाइड्रेशन हो गया है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है आती हूँ। अरे ऐसे कैसे बीमार हो गई? वो आपको तो पता है माँ के रूम का एसी खराब हो गया है और टेम्परेचर 45 डिग्री के बाहर जा रहा है, इसलिए गर्मी की वजह से बीमार हो गई। सुनो ना, वो माँ के रूम की एसी खराब हो गई, किसी एसी वाले को भेजो ना, और देखो ना माँ की तबीयत भी खराब हो गई। अरे वाह पूनम, एक माँ माँ और दूसरी माँ बोझ। मेरी माँ भी तो तुम्हारी माई लगती है ना, कभी उनके बारे में भी दिल से सोच लिया कर, गर्मी होने भी लगती होगी यार। साहब वो थोड़ा खाना बच गया था तो क्या मैं अपने पति और बच्चों के लिए ले जाऊं? बचावा खाना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज तुमने ये बात बोल के हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया। अरे नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। हाँ क्योंकि तुम गलत बात बोल रही हो। अरे बचावा खाना तुम क्यों लेके जाओगी, अच्छा नया फ्रेश खाना लेके जाओ अपने लिए। और आज तो तुमने बोल दिया कि बचावा खाना ले जाओ, और आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना, क्योंकि तुम भी इस घर की बेटी जैसी हो और बेटियों को ऐसी बात बोलते हुए शोभा नहीं देता। सारा सामान वहाँ बैग में रख लेनी जी, ठेकुआ आचार सब ना। हाँ। ए जी, कुछ दिन आवरी ना रुक सकी मैं। 1 घंटा बाद ट्रेन बाटे, आज ना जाए ना तो कल ड्यूटी छूट जाए, ड्यूटी छूट जाए तो कंपनी से निकाल दिया सब। काश हमने के बिहार में भी फैक्ट्री रहे तो रहो हमने के साथ रह के ही वे काम करते, कितना अच्छा रहे इतना जी। का करबू, पेट के सवाल बाटे तो कमाई खातिर बाहर जाही के न पड़ी। चलो माँ के लिए एप्पल ले चलते हैं। भाई साहब 1 किलो एप्पल कर देना। सुनो आप माँ के लिए इतना कुछ करते हो, आपको पता है हमारी शादी को 5 साल हो गई लेकिन आज तक आपकी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तुझे पता है हमारा बेटा 4 साल का होने वाला है लेकिन इसने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसकी हर जिम्मेदारी अभी हमारी है। कब तक रहेगी ये जिम्मेदारी? जब तक इसकी शादी ना हो जाए। मतलब मेरी शादी हो चुकी है तो माँ की हर जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी है मैं माँ की हर तकलीफों को दूर करूँ और उसकी हर इच्छाओं को पूरी करूँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूँ। अरे मम्मी का कॉल। हेलो मम्मी कैसे हो, कुछ काम था? पैसे चाहिए थे? ठीक है मैं उनको बोलती हूँ अभी। सुनो मम्मी को खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरी मम्मी तू देख। मम्मी रुको एक मिनट होल्ड करो, वो मेरी मम्मी नहीं वो तुम्हारी मम्मी है। मम्मी? हाँ मम्मी। हाँ कितना पैसा चाहिए? हाँ मैं देता हूँ मम्मा। हाँ सुन बहन, राखी आने वाला है तो तू आज ही घर आ जा, कुछ दिन साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है।
सुनो, मुझे भी भैया का कॉल आया था, जल्दी घर बुलाया है। हाँ चली जाना, अभी राखी को बहुत दिन बाकी है और वैसे भी इतना जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहन भी तो इतना जल्दी आ रही है। हाँ तो वो मेरी बहन है, मैं उसे कभी भी बुलाऊंगा। राखी सभी बहन भाइयों का त्योहार होता है। अरे सुनो, आज घर पे पापा आ रहे हैं। क्या पापा आ रहे हैं? तो फिर तो आज तो मैं खाने में भज्जे बनाऊंगी, पपड़ी बनाऊंगी, गुलाब जामुन बनाऊंगी, बासुंदी बनाऊंगी, समोसे बनाऊंगी। लेकिन मेरे पापा को तो ये सब पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे पापा आ रहे? मुझे लगा मेरे पापा आ रहे। फिर तो आज खाने में मैं खिचड़ी बनाऊंगी। क्या?